क्या हुआ, थक गए, हार मान ली, या डर गए दुनिया वालों से कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, या दुनिया वालों ने बोल दिया कि अरे इतने सालों से मेहनत कर रहा है अभी तक नहीं हुआ, अब क्या होगा। तो किसी से, किसी के ताने से, किसी के बोलने से नहीं घबराना है, नहीं डरना है, हौसला बनाए रखना है, हिम्मत बनाए रखनी है, मेहनत करते जाना है, क्योंकि वक्त एक ना एक दिन जरूर बदलता है। लेकिन वक्त खुद नहीं बदलता, आपको बदलना होगा उस वक्त को। क्या लगता है, कामयाबी एक दिन में मिल जाएगी? नहीं। एक कामयाब इंसान के बारे में अगर कभी सुना होगा, पढ़ा होगा, ऑब्वियसली पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आप जानते होंगे कि उस इंसान ने कितने लोगों के ताने सुने होंगे, क्या वो रोया नहीं होगा, क्या उसने उल्टे सीधे बातें नहीं सुनी होंगी, लेकिन गिरा होगा, फिर संभला होगा, फिर गिरा होगा, फिर संभला होगा, और एक दिन कामयाबी उसे मिली होगी। आज हम अगर उस इंसान को कामयाब इंसान के तौर पे जान रहे हैं, तो इसके पीछे उसकी एक दिन की मेहनत नहीं होगी, सालों की मेहनत, लोगों के ताने, लोगों की बातें, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तब उसे कामयाबी मिली होगी। तैयारी करते टाइम कभी कभी लगता है UPSC एक पहाड़ जैसा महसूस होता है, तो बना लीजिए खुद को दशरथ मान जी, तोड़ डालिए उस पहाड़ को। तैयारी करते टाइम कई बार आपके पेरेंट्स से, सिर्फ आपको नहीं सुनना होता है, आपके पेरेंट्स से भी सुनने में आती हैं बातें कि हाँ इनका बेटा इतने सालों से तैयारी कर रहा है, या इनकी बेटी इतने सालों से बाहर रह रही है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कर पाई या कुछ नहीं कर पाया। तो बोलने दीजिए लोगों को, लोगों का काम तो कहना है, आपको क्या करना है, आप उनका काम तो करेंगे नहीं, उनकी बातें नहीं सुननी है आपको। विकल्प कई मिलेंगे तुम्हें रास्ते से भटकाने के लिए, तुम्हारी मंजिल से तुम्हें दूर करने के लिए, लेकिन एक संकल्प ही काफ़ी है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। जब कभी लग रहा हो कि नहीं नहीं हो पाएगा, क्या करें, कैसे करें, इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है, तो आंखें बंद करना, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना, जिन्होंने सालों से सपना देख रखा होगा, लोगों से बता रखा होगा कि एक दिन मेरा बेटा कामयाब होके आएगा या मेरी बेटी कामयाब होके आएगी, तो उनके सपने को टूटने, उनकी उम्मीदों को टूटने मत देना, और हमेशा मोटिवेट रहना। दुनिया वालों के लिए, लोगों के तानों के लिए सिर्फ एक जवाब है, खामोश हैं, अभी संघर्ष जारी है, जीत कर बताएंगे हमने कितनी बाजी हारी है। तो हमेशा मोटिवेट रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता एक ना एक दिन झक मार के आपके पास आएगी। थैंक यू सो मच।